अपने संगठन के बारे में बताइए, कैसे स्थापना हुई और किन उद्देश्यों को लेकर स्थापना की, कब स्थापना की? संगठन का हमारा जो स्थापना हुई है तो एक साल हो चुका है स्थापना हुए, और कैसे ये स्थापना हुई तो उसके लिए माननीय श्री श्याम मोहन जी को मैं अपना आदर्श मानती हूँ। तो उनका एक बड़ा सपना था कि अपने क्षेत्र में महिलाओं का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो सेवा कार्य कर सके, तो उसी उद्देश्य को मतलब हमने सफल करना था, तो उन्होंने मुझे चुना इसके लिए। ये भी मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ, उन्होंने मेरे को चुना। और इसके लिए भी एक बड़ी अच्छी सी एक घटना है, क्योंकि मैं संगीत क्षेत्र में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट था मेरा बहुत ज़्यादा पहले, और उसके बाद ही मेरे को संगठन में लाने वाले श्री श्याम मोहन जी हैं, संगठन बनाने वाले वही हैं, मार्गदर्शक हमारे वही हैं श्याम मोहन जी, तो सारा श्रेय मैं उन्हीं को दूंगी। और आज ये जो संगठन कार्य कर रहा है उसके पीछे जो आशीर्वाद है सारा, और जो हमारा संरक्षण है माननीय श्री श्याम मोहन जी का संरक्षण है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और एक बार वो ये मैं जिस पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं, इस पार्क में सराउंडिंग में स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मेरी तीसरी से मेरी एल्बम साइकिल तो उसमें चलते थे, मेरे भजन चलते थे, तो शाखा भी यहाँ पर लगती है, तो शाखा में ही मेरा कोई ऐसा जिक्र आया कि श्याम मोहन जी के सामने, तो हमारे घर पर चले गए मेरे से मिलने। उस समय मैं मिलने का मेरे पास टाइम भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि संगीत संध्या थी कोई हमारी, तो उसके लिए बिल्कुल 2 मिनट मेरे पास थे जाने के लिए। तो आप आए और हमसे भेंट करना चाहा, हमसे बात करनी चाहिए, और उस समय हमने कहा, उनको हाथ जोड़ा कि आज हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और हमारा बड़ा दुर्भाग्य कि आज हमें अर्जेंट जाना है, अभी आज हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो उस समय वो नमस्कार करके चले गए और हम भी चले गए, और मेरे को नहीं पता था कि इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े समाजसेवी हैं वो, और मेरे घर आए हैं। और बाद में इसका मेरे को पता लगा, अनुभव लगा कि हाँ वाकई जो हमारे घर आए वो बड़ी महान विभूति थे, बहुत ज़्यादा मतलब समाज के लिए समर्पित हैं, अपना जीवन जिन्होंने समर्पित कर रखा है समाज के लिए, ऐसी विभूति एक मेरे घर आई हुई थी। लेकिन मैं उस समय थोड़ा सा मजबूर थी, मैं बात नहीं कर पाई। तो उसके बाद में पार्क में मैं, भैया एक सेकंड, पार्क में मैं यहीं पर आई हुई थी, तो श्री श्याम मोहन जी यहीं पर आए हुए थे, तब मैं स्पेशल उनसे मिली। मैंने उनको बोला कि भाई साहब उस दिन के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बैठ नहीं पाए, टाइम नहीं था मेरे पास, तो अब आप मेरे को सेवा बताएं क्या सेवा है और क्या किस उद्देश्य को लेकर आप मेरे घर पर आए थे। तो वो उनसे मेरी मुलाकात थी पहली भाई साहब से, तब उन्होंने बताया कि आप संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हैं और आपका जो सर्कल है, दायरा है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसी संगीत के माध्यम से ही आप अपना समाज के कार्य भी करें, ये हमारा एक मन है कि आप संगीत के माध्यम से ही लोगों से जुड़ें, महिलाओं से जुड़ें और समाज के लिए कार्य करें। चूँकि मेरे खून में पहले से ही संघ का अंश था, मेरे पिताजी जनसंघी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं RSS के, तो वो मेरे को एक राह एकदम से दिखी, और मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब यहाँ पर भी मेरे को RSS के कार्यकर्ता अचानक मिल जाएंगे ऐसे, तो बस मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे ये बात सुन के, और मैं एकदम तत्काल में उनके लिए तैयार हो गई कि ये काम केवल आपका ही नहीं है, ये काम तो हम सबका है। और मेरे को कोई सूत्रधार, कोई मेरे को कड़ी नहीं दिख रही थी कि मैं कहाँ से क्या जोड़ूँ, तो आज मेरे को कड़ी आप मिल गए हैं, आप जुड़ गए मेरे साथ, तो मैं अपना तन मन धन से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और धर्म के लिए मैं कार्य करूँगी। ये शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और आप कैसे, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसे, कहाँ से बढ़ी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ जन्म हुआ? शिक्षा मेरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में मेरा जन्म हुआ है, और नहटौर में एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, और शिक्षा मेरी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। और चूँकि बहुत ही सीमित सा एक छोटा सा कस्बा था, महिलाओं को इतनी छूट वहाँ पर नहीं होती थी, घर के अंदर ही उस समय उनको बंद रखा जाता था। आज तो हम देखते हैं 25 साल हमारी शादी को गए हैं, 25 साल बाद आज तो हम देखते हैं काफ़ी चेंजेस वहाँ पर आ गए हैं, जो हमारे सामने हमें जो छूट हमें नहीं मिलती थी परिवार से, वो आज हम देख रहे हैं कि हमें परिवार में हमारे काफ़ी अच्छा, आज बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बाहर जा रही हैं, कॉलेज आ रही हैं, जा रही हैं। और हमने तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से भी किया, तो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ही किया था सब कुछ, क्योंकि माहौल एक तरह से बहुत ख़राब था, तो उसी माहौल को देखते हुए मेरे को बड़े बड़े सपने बचपन से आते थे मेरे को कि मैं एक किरण बेदी जी मेरी आदर्श नहीं है जैसे, तो उनको देख के लगता था कि जैसे किरण बेदी जी समाज सुधारक हैं, या जैसे उन्होंने वो इंदिरा गांधी की क्रेन उन्हें उठवा दी थी, वो नहीं डरी उनसे भी, तो ऐसे ही मेरे को एक निडर एक कार्यकर्ता मैं कब बनूंगी समाज की, कब मैं देश के लिए कुछ करूंगी, ये पहले से मेरा सपना था। और वो उसके बाद बसों में कभी हम लोग जाते थे आते थे, तो हम उसको महसूस करते थे, अनुभव करते थे कि लड़कियाँ सेफ़ नहीं है कहीं भी, महिला सेफ़ नहीं है, तो महिलाओं के लिए कुछ भी करने का मेरा उद्देश्य वो उसी समय से पनपा हुआ था मेरे मन में।
उसके बाद पारिवारिक माहौल हमारा बहुत अच्छा था। परिवार हमारा सोशल है, काफ़ी सामाजिक है। वहाँ पे भाई मेरे रियल भाई हैं, वो भी व्यापार मंडल के अपने ज़िले के अध्यक्ष रह चुके हैं वहाँ पे, और सारा समाज हमें वहाँ पर जानता है मायके से हमें। और पिताजी हमारे बचपन में ही 12 साल की उम्र में पिताजी हमारे चले गए थे, तो भाइयों से ही हमने अपने संस्कार, अपनी जो पढ़ाई लिखाई सब की, तो भाइयों ने हमारे साथ दिया है सारा। उसके बाद शादी कहाँ हुई थी? उसके बाद हरियाणा के हमारे पति हैं, हस्बैंड मेरे हरियाणा के हैं और रहते दिल्ली में ही हैं, करीब 40-45 साल से दिल्ली में ही हैं। तो दिल्ली में शादी होके आई और यहाँ का भी पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा था। पति मेरे बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं, और कभी जैसे खाने के लिए भी उनको लेट हो जाता है, कभी मैं कुछ किसी कार्यक्रम में हूँ और खाने के लिए कुछ लेट हो रहा है उनको, या बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है इस बीच अगर कोई बड़े कार्यक्रम है, तो वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मेरे को सहयोग करके कहते हैं नहीं आप करिए काम। किस प्रोफेशन में बच्चे कितने, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बच्चे मेरे एक बीटेक कर रहा है, बड़ा बेटा, 3 बच्चे हैं मेरे पास, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। और बड़ा बेटा मेरा बीटेक कर रहा है, बिटिया 12th में है और छोटा बेटा 9th में है, और तीनों ही बच्चे सपोर्टिव हैं, सोशल हैं। बच्चे ने, बड़ा बेटा भी मेरा, हालांकि रोटरी क्लब से रहा वो, एक इंटरेक्ट क्लब में, लेकिन अपने स्कूल का वो प्रेसिडेंट रहा है इंटरेक्ट क्लब का। तो बच्चे में भी वही भाव है कि हम लोग झुग्गी बस्ती में जाएं और सेवा करें इनकी, पोलियो पिलवाएं वगैरह वगैरह, मतलब बच्चों को भी अंदर से है वो। आपके संगठन का नाम क्या है और उसका काम क्या है? संगठन का नाम हमारा मातृशक्ति संगठन हमारा है, और उसमें हमारी इस समय 500 के करीब, हमारी 500 से 1000 महिलाएँ हमारी जुड़ी हुई हैं। उसके बाद हम, अगर बड़ी संख्या हमने करनी होती है, 2000 तक हमारी संख्या आराम से पहुँच जाती है। और संगठन का उद्देश्य यही है कि हम लोग धर्म के साथ साथ, महिलाओं में जो है धार्मिक प्रवृत्ति बहुत होती है, लेकिन सामाजिक प्रवृत्ति देखें तो बहुत बहुत नगण्य है, और है तो वो जिसके अंदर है वो अंदर छुपी हुई है, वो बाहर नहीं निकल के आती है। तो उद्देश्य संगठन का यही है कि हम नारी शक्ति में जो अपने देश के, राष्ट्र के लिए भावनाएं छुपी हुई हैं, उनको हम निकाल के बाहर लाएँ और उनको थोड़ा सामाजिक दायरे में भी जोड़ें, धर्म के माध्यम से ही सही, लेकिन वो सामाजिक दायरे में थोड़ा जुड़ें और राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें। जैसे हमारे मोदी जी का एक सपना है कि अपना राष्ट्र, अपने देश में बच्चा बड़ा कोई भी हो, मतलब पढ़ा लिखा हो, हमारे देश में कोई भी शिक्षा मतलब बहुत ज़रूरी है, अशिक्षित ना रहे कोई भी, मोदी जी का हमारा ये सपना है। तो उसके लिए भी हम लोग संगठन एक कार्य कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चों की जो असहाय गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल खोलने के लिए प्रयासरत हैं, और उसके लिए महिलाएँ हमारी अर्चना जी हैं जैसे, और हमारी हेमा शारदा हैं, चंदा जी हैं, बहन दीप्ति शर्मा हैं, बहुत अच्छी अच्छी हमारी कार्यकर्ता हैं जो मेरा पूरा तन मन धन से पूरा सहयोग कर रही है, और वो मेरे साथ हैं, और वो भी इस स्कूल के खोलने के उद्देश्य से, वो बहुत उनको अच्छा लग रहा है। तो आने वाले कुछ ही समय बाद हम 8 या 10 दिन में, तो हम ये बच्चों को शिक्षा की एक पाठशाला, संस्कारों की एक पाठशाला हम खोलने जा रहे हैं मातृशक्ति से। अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि एक सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम हुआ था, क्या था उस कार्यक्रम में? सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम में यही था कि महिलाएँ अपने को असुरक्षित ना महसूस करें, वो जा रही हैं अपने को अकेला ना महसूस करें, वो उनको लगता है कि हम कोई हमें छेड़ रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, तो वो बेचारों को उनको क्या करें, उनमें नारी में तो वैसे ही थोड़ा अबला होती है, लेकिन उसके बाद वो जब हमारा सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया, उसके बाद वो कहते थे पहले हम अबला हैं, अबला थे, लेकिन अब हम सबला हैं। सेल्फ डिफेंस के बाद उनको लगा कि अब हम सबला हैं, ये शब्द मैंने सुना, पहले हमें कोई छेड़ता था, हमें परेशान करता, तो हम दबे ढके चुप चुके बैठे रहते थे, हम बोलते नहीं थे, लेकिन उसके बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस सेल्फ डिफेंस का आया है, सेल्फ डिफेंस के बाद, कि हमें लगता है कि हम उसको उधेड़ के रख दें, उसको मतलब सिर उठा के हम जिए, अब हम सिर्फ झुका के नहीं। सेल्फ डिफेंस का हमारा उद्देश्य यही था, और यही उन्होंने जो स्टंट सीखे, दुश्मनों से अपना कैसे बचाव करें हम, और कैसे हम अपने को सेफ रखें, कैसे हम सुरक्षित रखें, यही हमारा सेल्फ डिफेंस का उद्देश्य है। मातृशक्ति संगठन का आगे का क्या उद्देश्य, फ्यूचर प्लानिंग क्या, भविष्य की क्या योजना है? मातृशक्ति संगठन की योजनाएँ काफ़ी हमारी, हाँ, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना समाज की, और उनको महिलाओं को समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करना, और बाल संस्कार मेन हमारा है, क्योंकि अगर बच्चे सुसंस्कृत होंगे तो देश हमारा सुसंस्कृत होगा, और हम माताओं को उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दें, और हम मातृशक्ति संगठन के माध्यम से भी हम ऐसे कार्य करने वाले हैं, जैसे हम स्कूलों में तम्बाकू के ऊपर कुछ हम सोच रहे हैं, जाएँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको अवेयरनेस दें बच्चों को, हम कहें कि भाई तम्बाकू के नुकसान, तम्बाकू के फ़ायदे, तम्बाकू के नुकसान क्या है, नशे के क्या मतलब हम पर दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर, और शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो परिवार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा,
परिवार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा एक ही कीड़ा है जो हमारे समाज को, देश को, परिवार को, सबको ये नशा हमारा खा जाता है। काफ़ी ऐसे ऐसे उद्देश्य हैं। और भी जिस बात संस्कार में हमारा बच्चे अगर संस्कारित होंगे तो देश हमारा संस्कारित होगा। तो मेन मातृशक्ति संगठन का उद्देश्य है कि बच्चों को संस्कार दें। मैम, सामाजिक संगठन से आप जुड़ी हुई हैं, कितनी आपको चैलेंजेज मतलब फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस मेरे को बहुत फेस करने पड़ते हैं। अभी जैसे मैं कितने अच्छे अच्छे कार्य हम लोग कर रहे हैं, मातृशक्ति संगठन कर रहे हैं, तो उसकी प्रमुख होने के नाते मेरे को तो काफ़ी फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहीं जाऊंगी आऊंगी तो मेरे को लोग कहते हैं कि क्या अब आप टिकट ले लीजिए, अब आप राजनीति में आ जाइए। तो वो मेरे को उद्देश्य है नहीं राजनीति का, लेकिन मेरे को बड़ा चोट पहुँचती है जब लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे वो ना तो कुछ करने के लिए आगे आते हैं, दूसरा जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक नारी होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी वो फिर ऐसे पंच करते हैं कि आप तो राजनीति के लिए कुछ कर रहे होंगे, ऐसा टिकट लेने के लिए कुछ ऐसा कर रहे होंगे, तो वो अपना कोई उद्देश्य ऐसा है नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और कभी कभी लगता है कि मुझे महिलाओं को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। महिलाओं में भी एक ये प्रवृत्ति होती है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी महिलाएं, ये महिलाएं सब मेरी शक्ति हैं, मेरे हाथ पैर हैं, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो पूरी शक्ति है, लेकिन इनको कभी कभी संभालना महिला प्रवृत्ति होने के नाते थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ी सी मेरे को इनका गुस्सा भी झेलना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत प्यार से उनको समझाती हूँ कि मैंने गुस्सा किस लिए किया या मैंने आपको ये ऐसी बात किस लिए कही, उसको उनको थोड़ा सा मतलब डील करना पड़ता है। बहुत महिलाओं के साथ मुझे बहुत कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। और वैसे कोई चैलेंजेस ऐसे हैं नहीं खास, जो मैंने थोड़ा सा था यही राजनीति वाला ये एक थोड़ा पार्ट था, ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा बुरा लगता है जो कहते हैं ना। संगीत में आपकी काफ़ी रुचि रही है, संगीत के माध्यम से आपने एक मुकाम हासिल किया है, कितना अहम मानती हैं अपने लाइफ में संगीत को? संगीत तो अब संगीत तो मेरे रग रग में बसा है। जैसे अब समाज सेवा का एक मेरे को छोर मिला है, वो समाज सेवा तो मैं अभी 2 साल से शुरू हुई हूँ मैं, लेकिन संगीत बचपन से मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। क्योंकि संगीत एक ऐसी ताकत है जो हमारे तन को, मन को एकदम, हम कितना थके भी हों, कितना भी कुछ हों, वो एकदम हमें एकदम रिलैक्स कर देता है। और इसको संगीत को शौक में ही मैंने अपनी कई एल्बम्स मेरी निकल गई हैं। और ऐसा मेरा कोई संगीत मेरा माध्यम नहीं है पैसे कमाने का, कुछ ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊँ, केवल एक शौक मेरा है ये। और समाज को भी मैं संगीत के माध्यम से कुछ दूँ। संगीत मेरा एक कहले मेरी जान है संगीत, इसके बिना जैसे मैं नहीं रह सकती, ऐसा संगीत है। कई टीजी से मेरी कई एल्बम्स हैं। और एक एल्बम के बारे में कुछ गाकर बताएं आप, छोटा सा स्टैंजा। एल्बम में एक मेरी माला फूलों वाली एक एल्बम है, अभी यूट्यूब पे भी है वो, कविता गोयल नाम से अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगी। और एक मैंने इससे पहले मेरी एल्बम थी शेरों वाली माँ, मैं शेरा वाली मैं तेरी दीवानी हूँ, तो उसमें एक भजन था, वो सभी को बड़ा लोकप्रिय है वो भजन, और सभी उसको गाते हैं मेरे साथ जब भी मैं बैठती हूँ। 2 लाइन बताएं जरा। सारी दुनिया से मैं तो बेगानी हुई, सारी दुनिया से मैं तो बेगानी हुई, शेरावाली मैं तेरी दीवानी हुई, शेरावाली मैं तेरी दीवानी हुई, सारी दुनिया से मैं तो बेगानी हुई, शेरावाली मैं तेरी दीवानी हुई, शेरावाली मैं तेरी दीवानी हुई। मैम, कई मतलब इस तरह की बातें हैं कि आप कविता गोयल राजनीति में भी दिलचस्पी रखती हैं, क्या आने का कुछ इरादा? नहीं भैया, ये तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं है, राजनीति का तो मेरा मतलब ही नहीं है। और मैंने इससे पहले भी बताया है कि वही मेरे को पंच लगता है जब मैं काम करती हूँ और लोग मेरे को कहते हैं कि आप अपने किसी लालच के लिए आप राजनीति में आने के लिए ऐसा कर रही हैं, तो वो मेरे को बिल्कुल इरादा है और ना कभी होगा। मैं अपने संगठन में इतना खुश हूँ, इतनी मेरे को आत्मसंतुष्टि है संगठन से कि मैं इसको छोड़ के अब मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। राजनीति मेरे को इंटरेस्ट अभी नहीं है, राजनीति बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मैम, आप नैतिक मूल्यों के ऊपर भी काम करना, आपका जो संगठन है वो नैतिक मूल्यों के ऊपर भी काम करने जा रहा है, तो क्या मतलब 2 साल या 5 साल के भीतर में आप किस दिशा में उस पर काम करेंगे और कैसे काम करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नैतिक मूल्य संस्कार को लेकर, संस्कार को लेकर जो, हाँ हाँ, वही बाल संस्कार को लेकर हमने काम करना है। जैसे हमने जगह जगह स्कूल खोलने हैं, हर वैशाली महानगर का हमारा काम हमें देखना है, तो हमने इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी, सूर्यनगर, रामप्रस्थ, चंद्रनगर,
इनमें सब क्षेत्रों में हमने अपने एक बाल संस्कारों के स्कूल भी खोलना है, उसी में साथ साथ एक तरफ उनको शिक्षा दी जाएगी, एक तरफ उनको बाल संस्कार दिए जाएंगे। दो हम इसमें अध्यापिकाएं रखेंगे जिसमें एक उनको शिक्षा देंगी और एक उनको संस्कार देंगी, ऐसे तो हमारा उद्देश्य है। क्या बड़े स्कूलों में भी आप जाके इस तरह के कार्यक्रम करेंगे? हाँ, उद्देश्य हमारा है, जैसे हम कॉलेजेस, कॉलेज गर्ल्स होती हैं, कॉलेज बॉयज़ होते हैं, या स्कूल गर्ल्स हैं, स्कूल बॉयज़ हैं, तो हमारा अब संगठन इस क्षेत्र में अब कार्य करने के लिए उद्देश्य अपना बना रहा है कि हम स्कूल कॉलेजेस में भी जाएं और उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि नशा या चीज़, क्योंकि कॉलेजेस में देखा जाता है नशा सबसे बड़ी एक ये प्रवृत्ति छात्रों में पकड़ता जा रहा है, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इसके लिए कुछ काम करेंगे आगे भविष्य में, कि छात्र हमारे देश का जो भविष्य है वो नशे की प्रवृत्ति से बहुत दूर रहे और उनको इसके नुकसान इनको सब बताए जाएँ छात्रों को। बहन जी, आप मातृ संगठन से जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? कविता गोयल जी का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है? नहीं, कविता गोयल जी का तो पूरा कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा समय देती हैं और हर समय जो है ना, मतलब बुलाने की चेष्टा करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमसे जुड़ सकें। जी, और आप किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं एक संगठन के सदस्य होने के नाते? नहीं, आप भी अपना समय सहयोग देती हैं। बस समय का सहयोग देना और थोड़ा सा ये कि जिस काम की भी, जिस तरह की भी इनको हेल्प की ज़रूरत है तो उसमें खड़े हो गए, और महिलाओं को इकट्ठा करना, कंधे से कंधा मिला के चलना, बस यही हमारी कोशिश है। नहीं, ये तो हमारी शक्ति है, यही शक्ति है हमारी, यही कोशिश है। आप कितना नंबर देना चाहेंगी कविता गोयल को, अगर 10 मार्क से आपको मिले हो तो उसमें कितना नंबर देना चाहेंगी? 100% यही हमारी वो है जी। भाई साहब, आप भी बताना चाहेंगे मातृ शक्ति संगठन कितना कैसा काम कर रहा है और क्या इनका है? देखिए, जैसा ये बताया, मेरी धर्मपत्नी अर्चना जी मातृ शक्ति संगठन से जुड़ी हुई है और कविता गोयल जी के माध्यम से मुझे तो खुशी है कि जो घर से बाहर ये पहले नहीं निकली थी, अब मातृ शक्ति संगठन से जुड़ी हैं और एक समाज सेवा का जो उद्देश्य मातृ शक्ति संगठन का है, समाज सेवा प्लस महिलाओं के अंदर एक जागृति पैदा करना, महिलाएं जो घरों तक सीमित होती थी उनको घर से निकालना, उनके अंदर छिपी हुई जो ताकत है उसको बाहर निकालना, उनका ज्ञान जो है उसको बाहर निकालना और उसको उन्नति देना, उसको जो है खुल के वो सामने आए, देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। मैंने देखा है कि पिछले एक साल के अंदर मैंने कई मीटिंग्स भी इनकी अटेंड की, तो जो इनका उद्देश्य है बहुत अच्छा उद्देश्य है और दिन रात ये प्रगति कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जो इन्होंने आसपास की कॉलोनी को लेकर के, आसपास की कॉलोनी जैसे इंदिरापुरम वगैरह, जैसा कविता जी ने आपको बताया, इंदिरापुरम, वैशाली, रामप्रस्थ, रामप्रस्था, सभी कॉलोनी को लेकर इनकी जो महिलाएँ हैं इनको एकत्रित किया है और संगठन, जो ये संगठन दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये संगठन एक ऊँचाइयाँ प्राप्त करेगा और महिलाओं के अंदर, समाज के अंदर, बच्चों के अंदर एक जागृति लेके आएगा, जो देश सेवा का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। धन्यवाद जी। ये भी कार्यकर्ता हैं वैशाली और। क्या आपको ऐसा लगता है कि मातृशक्ति संगठन से आसपास में जागृति आई है और लोग जागरूक हुए हैं? बिल्कुल, आजकल महिलाएं भी काफ़ी मजबूत हो रही हैं इसको लेकर। मैं ऐसा महसूस करता हूं और अच्छे से महसूस करता हूं, क्योंकि जो मातृशक्ति संगठन के अंदर जो सदस्यता धीरे धीरे बढ़ रही है और जो उसकी गति है उसको देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि मातृशक्ति संगठन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इनका जो कार्यक्रम महिला सुरक्षा का जो इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, उसके अंदर जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलके इन्होंने प्रोग्राम रखा था, वो बहुत सफल रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो भी ये कार्यक्रम रखेंगे, जैसे पहले रहा है, पहले कार्यक्रम में रहा है, आगे और बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम सक्सेस होंगे और ये नई ऊँचाइयाँ पाएंगे। बहन जी, मातृशक्ति संगठन कैसा काम कर रहा है इसके बारे में आप बताएं? काम कैसा कर रहा है ये कहिए, काम क्या नहीं कर रहा है? आज की नारी शक्ति के बारे में जो नारियों को कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या करना है, नहीं करना है, मातृ संगठन समिति ऐसी समिति है जहाँ लेडीज़ महिलाएं आकर अपने आप को समझने की कोशिश करती हैं, फिर उसको अप्लाई करती हैं घर में जाके, बाहर जाके,
और आप ये कहो कि जो महिलाओं के अंदर की जो जागृति है अंदर की पेशेंस, इससे बहुत आता है घर में और फैमिली को, और अच्छे से कर पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फैमिली को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम उनको टाइम दे पाते हैं। बहन जी, आप लोग मातृशक्ति संगठन में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो कविता गोयल जी को आप लोग कहाँ देख रहे हैं कि इनका कितना योगदान है इस संगठन के लिए और कितना आगे काम कर रही हैं? इनका योगदान तो बिल्कुल ये कह लो कि जैसे भगवान ने हमारी उंगली पकड़ ली हो, इससे ज़्यादा और कुछ इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनका सहारा, इनके सहारे जो एक होता है ना नाव का जो खवैया होता है, हम उस पर सवार हैं और ये हमें पार लगा रही है, बस और कुछ नहीं। कितना नंबर देना चाहेंगी आप? बिल्कुल 100 में से 100 और तो कहो 10/10 ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल मात्र, मतलब हमारी माता की समान मात्र जो शुरुआत जो करी है ना, उनका शब्दों का बिल्कुल सार्थक कर दिया इन्होंने।